बुखार में हमारा शरीर गर्म क्यों हो जाता है, और क्या इससे पहले आपने कभी भी पानी को खाया है, और क्या आपको पता है कि ट्विंकल ट्विंकल पोएम को वास्तव में किसने लिखा था। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडम फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको चाइना का एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाया था जिसमें टोटल ही काम रोबोट्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइना की अलीबाबा ग्रुप ने एक ऐसा एडवांस होटल भी बनाकर तैयार किया है जिसमें छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़ा सारा ही काम रोबोट्स के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस होटल का नाम फ्लाइंग जू है जिसको अलीबाबा ग्रुप ने बनाकर तैयार किया है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें एक सेंट्रल पावरफुल कंप्यूटर को भी डेवलप किया गया है जो होटल्स के सारे ही रोबोट्स को हैंडल करता है। दोस्तों यहां पर खाना बनाने, उसको सर्व करने, रूम की सफाई करने, और यहां तक कि पेमेंट और रूम सर्विसेज के साथ साथ छोटे से छोटे लेकर बड़ी से बड़ी सारी ही चीजें रोबोट्स के द्वारा ही हैंडल की जाती हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि आप जैसे ही इस होटल में कोई भी रूम को बुक करते हैं और उस दिन पर जब भी आप इस होटल में उस रूम के सामने खड़े होते हैं तो यहां पर एडवांस फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से आपके रूम का दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा होटल है जहां पर एक भी ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। फैक्ट नंबर 19। हम सभी जानते हैं कि हम जब भी कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारे गले में मूवमेंट होता है, लेकिन क्या आज से पहले आपने उस मूवमेंट को अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एमआरआई दिख रहा है ये उसी टाइम पर लिया गया है जब हमारा गला वोकल्स को बनाता है। दरअसल दोस्तों इस क्लिप में आप बेहद ही साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जब भी हम कोई भी कॉन्सोनेंट वोवल्स यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि हम अलग अलग शब्दों को बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग पर ही हमारे गले में क्लिप्स, टंग, सॉफ्ट पैलेट्स और लैरिनेक्स में कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से हमारे गले में अलग अलग तरीके के शब्द भी बनते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात है दोस्तों कि अभी आपने जो एमआरआई देखा है इसको दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर एमआरआईज में से भी एक एमआरआई माना जाता है। फैक्ट नंबर 18। किसी भी व्हीकल के टायर्स के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि वो गलत समय पर और गलत जगह पर अक्सर पंचर हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंजीनियर्स ने एक ऐसे टायर को भी डेवलप किया है जिसको आप चाहकर भी कभी भी पंचर कर ही नहीं सकते। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो टायर दिख रहा है उसको बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है जहां पर टायर में हवा की जगह पर इस तरीके के फोल्डेड विंग्स लगाए जाते हैं। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर का भी यूज किया गया है ताकि जब भी रोड पर ईंट या स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो ये विंग्स अपने आप ही फोल्ड हो जाते हैं और इसके बाद ही अपने आप ही इस तरीके से अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाते हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि चंद ही सालों में जो हमारे ऑर्डिनरी टायर्स होते हैं उनकी जगह पर ऐसे एडवांस फोल्डेड विंग्स टायर को भी यूज किया जाएगा। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको बताया कि नीदरलैंड्स ने अभी हाल ही में एक बेहद ही एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस ड्रोन को भी बनाकर तैयार किया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि किसी भी प्रकार के इमरजेंसी केसेस जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज और फेंट होने की सिचुएशन में आप जैसे ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं ये विद इन वन मिनट आपकी लोकेशन पर पहुंच जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसमें हर एक इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ऑक्सीजन मास्क और इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती है। साथ ही दोस्तों ये एडवांस ड्रोन हर समय हॉस्पिटल से भी कनेक्टेड रहता है जिससे आपको उन मेडिसिन और उन एपरेटस को यूज करने के लाइव इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं। मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए दोस्तों तो इस एडवांस एम्बुलेंस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग और लाइफ सेविंग जरूर है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आपने इस दुनिया में बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फ्रॉग्स यानी कि मेंढक तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भी ट्रांसपेरेंट मेंढक को देखा है? दोस्तों इस मेंढक को ग्लास फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है और ये यूजली कोस्टारिका और इक्वाडोर की जंगलों में पाया जाता है, और ये दोस्तों इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है कि आप इसके बाहर से ही इसके सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि मेंढक की जितनी भी प्रजाति होती है उसमें सबसे ज्यादा रेयर प्रजातियों में से एक प्रजाति इस मेंढक की भी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों हर दिन हम कुछ ना कुछ नया डेवलप करते हैं और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अभी डॉक्टर्स ने हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया है जिसके थ्रू फ्यूचर में हम पानी को पिएंगे नहीं बल्कि खाएंगे। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वाटर कैप्सूल दिख रहा है उसको ओहो कैप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जैसे ही आप इस कैप्सूल को अपने मुंह के अंदर रखते हैं ये आपके मुंह में बस्ट हो जाता है और आपके शरीर में जितनी भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये पूरा कर देता है।
दरअसल दोस्तों डॉक्टर्स ने इसको समुद्री शैवालों का यूज करते हुए बनाया है। इसको यूज करने से पहले आपको इसके ऊपर की पतली थिन लेयर को उतारना होता है और इस तरीके से आप उसके बाद अपने मुंह में इस कैप्सूल को रख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मार्केट में पानी आता है वो प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है और वो प्लास्टिक की बॉटल हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है, और उसी चीज से निजात पाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है जहां पर आपको इस तरीके के वाटर कैप्सूल दिए जाते हैं जिसके थ्रू आप पानी को पीते नहीं बल्कि खाते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको यामाहा की एक ऐसी अमेजिंग बाइक दिखाई थी जिसमें बैलेंस को बढ़ाने के लिए फ्रंट में एक नहीं बल्कि दो दो टायर्स को दिया जाता था, लेकिन क्या आपको बताया कि उसी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके साइकिल में भी कुछ ऐसा किया गया है जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों इस तरीके की साइकिल के रियर टायर को एक मूवेबल एक्सिस से कनेक्ट किया जाता है जिसके थ्रू नॉर्मल साइकिल से 50% एक्स्ट्रा बैलेंस और ग्रिप मिलती है। और आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि कंपनी का दावा है कि इस तरीके की साइकिल को आप कितनी स्पीड के साथ कितने भी शार्प टर्न कर लीजिए आप कभी भी साइकिल से गिर ही नहीं सकते। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों सीरीज में हमने बहुत से डिलीवरी ड्रोन्स देखे हैं, डिलीवरी पोस्टमेट्स भी देखे हैं, और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग ग्रोसरी स्टोर भी दिखाने वाला हूं जिसमें आप नहीं जाते हैं बल्कि आपके एक टच पर आपका ग्रोसरी स्टोर ही आपके पास आ जाता है। दोस्तों इस अमेजिंग ग्रोसरी स्टोर को रोबोमार्ट नाम की ई कॉमर्स कंपनी ने डेवलप किया है जहां पर उन्होंने इस तरीके के अमेजिंग सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल को बनाकर तैयार किया है जो आपकी फोन की लोकेशन को ट्रेस करते ही खुद ब खुद ही आपके पास आकर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डिलीवर कर देता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया गया है जिसके थ्रू आपको जो भी सामान जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए आप इसमें से उठा सकते हैं, और उसी के ही तर्ज पर ये आपको एक बिल भी बनाता है जिसको आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि अगर आपने इसके बिल को पे नहीं किया है तो ये आपके फोन नंबर के साथ साथ आपकी फोटो को भी लोकल अथॉरिटीज को सेंड कर देता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि जापान इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जो हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को इस वर्ल्ड से उठाकर वर्चुअल वर्ल्ड में ले गया है जहां पर दोस्तों उन्होंने इस तरीके के अमेजिंग गेम को डेवलप किया है जो हमारे माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। दरअसल दोस्तों इस गेम के लिए आपको इस तरीके का एक VR हेडसेट पहनाकर एक डिवाइस के सामने खड़ा कर दिया जाता है और इसके बाद आपको ये आभास होने लगता है कि मानो आप उसी सिचुएशन में ही हैं। साथ ही दोस्तों इस गेम को खेलने के लिए आपको दो वर्चुअल स्टिक्स भी दी जाती हैं जिसमें ब्लू स्टिक से आपको ब्लू बॉक्सेस को और रेड स्टिक से आपको रेड बॉक्सेस और हर्डल्स को हिट करना होता है। जैपनीज डॉक्टर का यह मानना है दोस्तों कि डेली कुछ समय तक अगर 21 दिन तक लगातार इस गेम को खेला जाए तो हमारे ब्रेन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको पहले के मुकाबले दुगना किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि जब भी आप सो रहे होते हैं और अगर उस रूम में आपको कोई नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से घूरता है तो हमारी नींद खुल जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता क्यों है? दरअसल दोस्तों इटली में की गई एक रिसर्च के आंकड़े वास्तव में चौंका देने वाले थे जहां पर डॉक्टर्स का यह मानना था कि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी भी गलत उद्देश्य से या हानि पहुंचाने के उद्देश्य से देखता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जिसे हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के द्वारा पहचान लिया जाता है, और यही कारण है कि आप चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो अगर उस कमरे में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपको चोट पहुंचाने आ रहा है तो आपकी आंखें या नींद तुरंत ही खुल जाती है। क्या इस फैक्ट से पहले आप अपने ब्रेन की इस क्वालिटी को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो हाथ दिख रहे हैं उसको किसी भी तरीके से एडिट नहीं किया गया है। दरअसल दोस्तों इस स्थिति को मिरर हैंड सिंड्रोम या फिर उल्नोर डिमेलिया के नाम से भी जाना जाता है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिसमें दोस्तों इंसान का हाथ कुछ इस तरीके से डेवलप करता है कि मानो एक ही हाथ में दो हाथ इस तरीके से अपनी मिरर पोजिशन को दिखाते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने इस दुनिया में बहुत सारे लॉक्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर लॉक देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लॉक दिख रहा है उसको यूएसए के इंजीनियर्स ने डेवलप किया है जिसमें दोस्तों एक शॉफ्ट से एक दो नहीं बल्कि 9 लॉक्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि इस लॉक को खोलने के लिए आपको इस तरीके से अपने अपर फिंगर्स के इंप्रेशन भी देने होते हैं, और इस तरीके से एक इंप्रेशन देने के बाद दोस्तों ये लॉक इस तरीके से एक सीक्रेट चैम्बर को खोलता है जहां पर आपको अपने थंब इंप्रेशन को देना होता है और उसी के बाद ही इस लॉक को खोला जा सकता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों छोटे बच्चों के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो किसी भी चीज को उठाकर अपने मुंह में डालकर उसको निगलने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, और शायद आपको ये विश्वास नहीं होगा लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, और इन केसेस में जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वो है
पेन की कैप, और यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से पेन के कैप में इस तरीके के होल्स को भी दिया जाने लगा। लेकिन बावजूद इसके भी इन केसेस की संख्या कम नहीं हो रही थी, और उसी के तर्ज पर अभी हाल ही में अमेरिका की इंजीनियर्स ने कुछ ऐसा डेवलप किया है जो काफी हद तक इन केसेस को कम करने में कारगर साबित होगा। दरअसल दोस्तों यूएसए के इंजीनियर्स ने एक बेहद ही एडवांस प्रेशर एक्टिवेटेड एंटी चोकिंग डिवाइस बनाई है, जिसको दोस्तों किसी भी बच्चे के मुंह पर इस तरीके से रखा जाता है और इसके बाद इसमें दिए गए एक बटन को प्रेस किया जाता है, जिससे कि दोस्तों इसकी एक शाफ्ट इस तरीके से प्रेशर के साथ पीछे की ओर जाती है। क्योंकि आगे से ये एयर टाइट कंटेनर की तरह बना हुआ होता है, तो ये बच्चे के मुंह और गले तक में वैक्यूम को बना देता है, जिसकी वजह से दोस्तों बच्चे के गले में अटकी हुई बड़ी से बड़ी चीज वैक्यूम के बनने की वजह से खुद ब खुद ही बाहर आ जाती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस पोएम्स में से एक पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम है? लेकिन क्या आपको पता है कि इस बेहद ही मशहूर पोएम को आखिर किसने लिखा? दरअसल दोस्तों इस पोएम के जो भी लिरिक्स या शब्द हैं उनको 19वीं सदी के प्रारंभ में जेन टेलर के द्वारा लिखी गई इंग्लिश पोएम द स्टार से लिया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये पोएम सबसे पहली बार 1806 में एक बेहद ही फेमस कलेक्शन राइम्स फॉर द नर्सरी में पब्लिश की गई थी, जिसको टेलर और उनकी बहन एन के द्वारा लिखा गया था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेन से ट्रेवल करते समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना खर्च आएगा, यह डिपेंड करता है प्लेन के वेट पर। अगर प्लेन का वेट ज्यादा होता है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल में ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा फ्यूल है वो ज्यादा लगता है। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि साल 1987 में अमेरिकन एयरलाइंस ने अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए सर्व किए जाने वाले सैलेड में सिर्फ एक ऑलिव की कटौती कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली जो उनको भी सैलेड दिया जाता था साल 1987 में, बस इतना सा चेंज किया गया कि उस पूरे सैलेड में सिर्फ एक ऑलिव को हटा लिया गया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस छोटे से ही चेंज की वजह से एयरलाइंस ने एक साल में $40,000 की बचत की थी। और ये अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट है, जहां पर सिर्फ एक ऑलिव को ही कम करने से एयरलाइंस को एक साल में $40,000 की बचत हुई थी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्नैपर ग्लासेस दिख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे ज्यादा रेयर ग्लासेस में से एक ग्लास माने जाते हैं। दोस्तों इनको स्पेशली सिविल वॉर में शार्प शूटर्स के लिए डेवलप किया गया था। अब अमेजिंग बात है, अगर आपने इन ग्लासेस को गौर से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि इनके ग्लासेस को येलो कलर का बनाया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया था? दरअसल दोस्तों उस समय शार्प शूटर्स पेड़ के बीच में बैठकर अपने निशाने को लगाया करते थे, और उसी की वजह से ही डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए इनके ग्लासेस को येलो कलर का बनाया गया, जहां पर अगर आप इन ग्लासेस के ठीक बीच में देखेंगे तो आपको येलो का भी एक डार्क शेड देखने को मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो ग्रीनरी के डिस्ट्रैक्शन को कम कर सके। फैक्ट नंबर 4, मिलिए फुकुशी मिशेची से। दोस्तों ये जापान के टोक्यो में रहते थे, जो पेशे से पैथोलॉजिस्ट थे। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि ये जापानीज टैटू आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और यही सबसे बड़ा कारण था दोस्तों कि जब भी जापान में कोई भी ऐसे इंसान की डेथ होती थी जिसके पूरे ही शरीर पर टैटू बना हुआ होता था, तो ये उसके स्किन को उसके शरीर से पील करके कुछ इस तरीके से अलग कर लिया करते थे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इनके पास 2000 से भी ज्यादा ऐसी इंसानी स्किन है जिनको इन्होंने एक म्यूजियम में भी रखा हुआ है। तो ये फैक्ट और ये चीज अपने आप में रेयर और अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर आपने गोल्फ की बॉल को गौर से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि इस पूरी ही बॉल पर इस तरीके के छोटे छोटे गड्ढे बने हुए होते हैं। लेकिन आखिर इन गड्ढों को किसने बनाया और वास्तव में इनका क्या यूज है? दरअसल दोस्तों गोल्फ की बॉल पर छोटे छोटे गड्ढे सबसे पहली बार इंग्लिश इंजीनियर विलियम टेलर के द्वारा बनाए गए थे, जिससे दोस्तों जब भी आप इस बॉल को हिट करते हैं और हिट करने के बाद जब भी ये जमीन पर लैंड होती है तो इन गड्ढों की वजह से जमीन और उस बॉल के बीच में ट्रैक्शन कम हो जाता है और बॉल दूर तक ट्रेवल कर सकती है। और यही सबसे बड़ा कारण था दोस्तों जिसकी वजह से इस बॉल पर इस तरीके के छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए थे।
फैक्ट नंबर टू, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों के संग ऐसा होता है कि वो जब हद से ज्यादा डर जाते हैं तो उस सिचुएशन में उनका देहांत हो जाता है। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन हर एक इमोशन के साथ एक अलग ही केमिकल को रिलीज करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब बेहद ही ज्यादा खुश होते हैं तो उस कंडीशन में डोपामीन हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। तो वहीं दोस्तों जब भी हम एक्सट्रीम लेवल पर डर जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा ब्रेन एड्रेनलिन नाम के एक केमिकल को रिलीज करना शुरू कर देता है। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि यही केमिकल जब ज्यादा बड़ी मात्रा में रिलीज होता है तो इसमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एक पॉइजन बन जाता है और किसी भी इंसान की डर की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो फाइनली अब आपके पास एक साइंटिफिक आंसर है जिसके थ्रू आप ये जानते हैं कि ज्यादा डरने से इंसान की मृत्यु क्यों हो जाती है। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें बुखार आता है तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन वास्तव में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बुखार आने से क्यों बढ़ता है? दरअसल दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का एप्रोक्सीमेट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारे शरीर में हानिकारक वायरसेस, बैक्टीरिया या जर्म्स आ जाते हैं तो हमारे शरीर अपने तापमान को ज्यादा कर लेता है। दरअसल दोस्तों एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि हमारा ब्रेन करता है। दरअसल दोस्तों हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। तो वहीं दोस्तों जब हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगता है कि कोई भी वायरस या जीवाणु हमारे शरीर में आ गया है तो वो पाइरोजन नाम के एक केमिकल को रिलीज कर देता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस को पाइरोजन का पता चलता है वो हमारे बॉडी से बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है और हमारी बॉडी काफी तक इन तरीके की वायरसेस से सुरक्षित हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना किसी भी तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है, बल्कि दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज अपने आप ही मर जाते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किसी ने को भी कहा कि पैरों का जितना ज्यादा बांटा जाता है कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों जय हिंद।